नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एस कैफे में। तो दोस्तों, एमडीयू के रोल नंबर आ गए हैं। जिन बच्चों की जो भी डेट शीट आई थी फोर्थ सेम की, उनके रोल नंबर जो एमडीयू ने जारी कर दिए हैं, और जो है डिपार्टमेंट में रोल नंबर आ गए हैं, आप जाकर रोल नंबर ले सकते हो। तो दोस्तों, आपकी बार रोल नंबर लेते वक्त आपको कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, आपको ऐसे ही रोल नंबर नहीं मिलेगा। और क्या फॉर्मेलिटी करनी होगी, तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। और दोस्तों, अगर आप एस कैफे पर नए हो तो एस कैफे को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आपकी बार आपको रोल नंबर लेते वक्त जो है कुछ फॉर्म भरना होगा, और वो क्या फॉर्म है, तो दोस्तों ऑनलाइन मोड में जो ग्रुप बना था उसमें से भी एचओडी के नोटिस तो आ गया होगा कि आपको जो है आपकी बार रोल नंबर लेते वक्त पहले तो नो ड्यूज का फॉर्म भरना होगा, और जो है जो बच्चा हॉस्टल में रहता है उसको हॉस्टल से क्लियरेंस लेके आनी होगी, और जो हॉस्टल में नहीं रहता उसको लाइब्रेरी से जो क्लियरेंस लेके आनी होगी। तो दोस्तों, ये क्लियरेंस क्या है और नो ड्यूज का फॉर्म जो आपको आपके डिपार्टमेंट से ही मिलेगा, और जो है वहां पर आपको जो फॉर्म भरना होगा, और जो है ये क्लियरेंस क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो दोस्तों, जब आपका एमबी में एडमिशन होता तो आपका जो है लाइब्रेरी कार्ड बना था, और लाइब्रेरी कार्ड जो है अब आपके पेपर समाप्त हो जाएंगे तो आपका लाइब्रेरी कार्ड जो है समाप्त हो जाएगा, मतलब उसकी अवधि जो है समाप्त हो जाएगी, और आपको लाइब्रेरी में जाकर उसकी जो है क्लियरेंस लेके आनी होगी कि अब जो है मेरा ये समाप्त हो चुका है। और क्लियरेंस में जो है वो आपके आई कार्ड पर पंच लगा देंगे, कंडक्टर पंच लगाता है टिकट पर, वैसे ही जो आपके आई कार्ड पर पंच लग जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद जो है आपका आई कार्ड नहीं चलेगा, मतलब अवधि पूरी होने के बाद एमडीयू में जो आपका आई कार्ड नहीं चलेगा, इसलिए जो है वो पंच लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपको रोल नंबर लेते वक्त ये जो है फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, इसके बिना जो आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा। और दोस्तों, जो बच्चे कई बार दूसरों को भेज देते हैं रोल नंबर, आपकी बार वो नहीं करना है, क्योंकि साफ साफ मना कर दिया है कि एचओडी ने कि आपकी बार जो है वही बच्चा आएगा जिसका रोल नंबर है, क्योंकि जो उनको तो पता नहीं होता कि क्लियरेंस कहाँ से लेके आनी है और कहाँ से रोल नंबर लेना। तो दोस्तों, आपको ही पता होता है कि क्लियरेंस वहां से मिलेगी, लाइब्रेरी वहां, और जो है हॉस्टल से आपको क्लियरेंस मिलेगी, उसके बाद ही जो आपको रोल नंबर मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी बार रोल नंबर आपका ऐसे मिलेगा, पहले तो जाते थे और रोल नंबर हम लेके आ जाते थे, लेकिन आपकी बार चौथा सेम है और आपका आई कार्ड जो है जब्त कर लिया जाएगा, मतलब पंच लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो है तिरत चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पंच नहीं लगता और उनका आई कार्ड जो है बहुत सालों तक चला लेते हैं लाइब्रेरी में आने के लिए। तो दोस्तों, इसी के कारण जो है आई कार्ड पर पंच लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपकी बार आपके आई कार्ड पर पंच लगेगा, इसलिए आपको लाइब्रेरी या हॉस्टल से क्लियरेंस लानी पड़ेगी। जो बच्चा हॉस्टल में नहीं रहता उसको सिर्फ लाइब्रेरी से क्लियरेंस लेके आनी है, और जो बच्चा हॉस्टल में रहता है उसको लाइब्रेरी और हॉस्टल से दोनों से क्लियरेंस लेके आनी होगी। और नो ड्यूज का फॉर्म आपके डिपार्टमेंट से मिलेगा, वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, उसके बिना जो आपकी क्लियरेंस वहां पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और एमडीयू की सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए एसकेपे को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। धन्यवाद।